नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन लाया हूँ कि जिससे कि आप अपने फोटो को बहुत अच्छे ढंग से एडिट कर सकते हैं। उसमें आप अपना फेस चेंज कर सकते हैं, दाढ़ी मूछ लगा सकते हैं, या आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, बालों का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आंखों का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप हर चीज उसमें एडिट करके चेंज कर सकते हैं। तो उसको एडिट कैसे करते हैं वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं स्मार्टफोन स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस ऐप का नाम है फेस ऐप। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। आप इसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कैमरा से आप यहाँ पर फोटो डाल सकते हैं और फोटोज में जाकर फोटो डाल सकते हैं, या कोई सेलिब्रिटी को यहाँ पर चूज करके आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फोटो चूज कर रहा हूँ। अब इस फोटो को चूज करने के बाद मैं आपके सामने इसे चेंज करके बताऊंगा, इसकी शक्ल, इसकी स्माइल, हर चीज। तो सबसे पहले जो इसमें टूल है वो है इंप्रेशन। इंप्रेशन के जितने भी फीचर हैं ये आपको प्रो वर्जन में मिलेंगे, या इसके लिए आपको इस फिल्टर को यूज करने के लिए आपको एक ऐड देखनी होगी, अगर आप इस एप्लीकेशन को खरीदते नहीं है तो। तो जैसे मान लीजिए मैं ए वाला इंप्रेशन चूज करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए गो प्रो आया। इसका मतलब कि आपको ये वर्जन खरीदना होगा। और या आप इस एप्लीकेशन को खरीदते नहीं है तो आप वॉच ऐड कर सकते हैं। वॉच ऐड करने के बाद क्या होगा, एक ऐड आएगी। जैसे वो ऐड खत्म होगी आप उसे क्लोज कर दीजिए, तो आपका ये जो इंप्रेशन वाला फीचर है ये ऑटोमेटिकली आपके फेस पर आ जाएगा। तो अभी मैं ऐड नहीं देखूंगा क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो आगे है स्माइल। तो स्माइल का ये जो क्लासिक आप देख रहे होंगे ए वाला, इसमें चलता है, बाकी ये सारे प्रो वर्जन में चलते हैं, यानी कि आपको ऐड देखनी पड़ेगी। तो अगर आप ऐड देखकर इनको यूज करेंगे तो आप अपने फेस को अच्छे ढंग से एडिट कर सकते हैं। और चलिए मैं दूसरा नंबर पर यूज करता हूं। तो देखिए इसने मेरे फेस में स्माइल कर दी, ठीक है। तो इस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यहां से। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये सेट हो जाएगी, और इस तरह से, ठीक है, अप्लाई हो गई। इसके बाद आप सेव कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं वेयर्स पर, जिसमें दाढ़ी मूछ वगैरह अगर आपको लगानी है तो, ठीक है। तो अब मैं इसमें कर देता हूँ हिपस्टर, और ये देखिए ये दाढ़ी मूछ लग गई, और इसको आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पर आप इसका जेंडर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें दाढ़ी और मूछ लगाई है। तो इसका जेंडर मैं अगर चेंज करूंगा तो ये दाढ़ी मूछ तो ऐसी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक नया फोटो लेता हूँ। इसको एडिट करने के लिए मैं दोबारा फोटो लेता हूँ, और अब जाते हैं जेंडर में। ये है इसका जेंडर, और जेंडर चेंज में हम जाते हैं इसके फीमेल टू पर। देखिए ये मेरा ही फोटो है, और ये इसको आप अप्लाई कर दीजिए। और अप्लाई करने के बाद आप इसमें मॉर्फिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप फाइंड सेलिब्रिटी है तो आप यहाँ पर फाइंड सेलिब्रिटी करके यहाँ पर किसी को भी आप ऐड कर सकते हैं। तो क्या होगा कि वो आपके फेस पर ऐड हो जाएगी उसके कुछ इफेक्ट। तो अभी मैं वो नहीं करूँगा। आप इसे इंस्टॉल करने के बाद खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर जाते हैं अब एज पर। एज पर है टीन, और यंग 3 है, यंग 2 है। तो ये आगे वाले वर्जन चलेंगे आपके प्रो वर्जन में। तो देखिए जैसे मैंने टीन किया तो यहाँ पर मेरे जो फेस है बिल्कुल क्यूट सा हो गया। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। और इसके आगे आता है हेयर स्टाइल। तो हेयर स्टाइल आपकी इच्छा है आप किस तरह से रखना चाहते हैं, और इसको अप्लाई कर दिया। हेयर स्टाइल के बाद हेयर कलर है, इसके बाद साइज है, आपका फेस इधर उधर जैसे भी आपको एडजस्ट करना है, चेंज करना है। तो इसके आगे चलते हैं ग्लासेस। ग्लासेस एक्चुअली मैंने लगाए हुए हैं तो ये मेरे उस पर नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आपने आई ग्लासेस नहीं लगाए तो ये आपके वहां पर इफेक्ट करेंगे। और इसके आगे है मेकअप।
तो मेकअप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसका मेकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपका फेस पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। देखिए मेकअप, और इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। इसके आगे फिल्टर्स आते हैं कि आपको किस तरह का ये चाहिए, तो मैं इसे अभी यूज नहीं करूंगा। आप कर सकते हैं ब्लू, गोल्ड, मोको है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है बैकग्राउंड। जो आपका बैकग्राउंड है इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एक तो आप इसे ऑनलाइन से चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो वेब पर है, और दूसरा इसमें दिए गए हैं फिल्टर्स, कुछ कुछ फिल्टर दिए गए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको जिस तरह का भी लगता होगा, जो भी आपको अच्छा लगता होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद लेंस ब्लर है, जो आपका बैकग्राउंड को ब्लर करेगा। देखिए आप देख रहे होंगे, और इसमें बहुत सारे फिल्टर्स दिए गए हैं कि आपको किस तरह का ब्लर चाहिए। लेंस ब्लर के बाद है ओवरले, ठीक है, ये आपको जैसी लगती होगी आप उस तरह से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको इसमें नहीं, इसमें विंटेज है, ठीक है, तो इसको मैं अभी आपको यूज नहीं करता। और यहाँ पर एडजस्टमेंट है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शेडो, हाइलाइट्स, और इसके बाद आप इस फोटो को क्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद आपकी फोटो गैलरी में सेव हो गई है। और दूसरे आप यहाँ पर इसकी एनिमेशन भी बना सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए, आपने इसको क्लिक किया और हम जाते हैं यहाँ पर गिफ में, GIF में, तो देखिए एक तो इस तरह से आएगा है, और दूसरा ये इस तरह से आएगा, और तीसरा ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह के गिफ को मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है प्रोसेसिंग द फोटो। देखिए ये सेव हो गया है, और अब मैं एप्लीकेशन को क्लोज करता हूँ। तो चलिए चलते हैं अब अपनी गैलरी ओपन करते हैं और देखते हैं कि वो फोटो और वो एनिमेशन कैसी बनी है। तो यहाँ पर जाएंगे हम फेस ऐप पर, तो ये देखिए वो फोटो मैंने एडिट किया था अपना, बिल्कुल क्लियर एडिट हुआ है। और इसके बाद अब हम जाएंगे उस एनिमेशन को देखेंगे जो हमने गिफ मोड में सेव की थी। तो ये है वो फेस ऐप वाला वीडियो, और इसको हम प्ले करेंगे।